वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप देख रहे हैं ब्लॉग बाजार की एक और नई वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको कार वॉशिंग के अकॉर्डिंगली दिखाने वाला हूँ कि कैसे कार वॉशिंग होती है और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से कार वॉशिंग होती है। मैं अभी आ रखा हूँ उत्तम नगर में, और उत्तम नगर में ये एक द्वारका के लिए एक रोड जाती है, विच इज़ मटियाला रोड बोलते हैं इसको। आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ही ये कार वॉशिंग है, और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेज में आपको जो है कार वॉशिंग होती है। और इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि तो इसमें आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि कार वॉश में क्या क्या फीचर्स, किस किस तरीके से क्या शैम्पू यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं ताकि गाड़ी की जो चमकाहट है वो बनी रहे। और आई थिंक यहाँ पे रबिंग एंड पॉलिशिंग दोनों होती है। तो आपको मैं जो डिस्क्रिप्शन पे इनका नंबर मेंशन कर दूंगा, आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ आ सकते हो। बहुत ही नॉर्मल प्राइस में होता है। वीडियो के एंड तक देखते रहिए, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या प्राइस है। स्टे ट्यून्ड। देख सकते हो गाइस, आपने यहाँ पे जो है आपकी स्कूटीज और टू व्हीलर सबकी जो है वॉशिंग होती है। और अगर वॉशिंग देखा जाए तो ये बाइकें खड़ी हैं और प्रॉपर फुल प्रेशर के साथ जो है वॉशिंग होती है। यहाँ पे देख सकते हो, तो गाड़ी मेरी हो चुकी है वॉश। अब जो है इंटीरियर का काम करेंगे ये लोग। और अगर मैं दिखाऊँ तो देखो पहले क्या थी, देख सकते हो आप लोग कि जो गाड़ी की जो कंडीशन है वो तो क्या हो रखी है, पहले क्या थी और अब क्या है, डिफरेंस देख सकते हो आप लोग। और ये मेरे चैनल का नाम, अगर मैं और दिखाता हूँ चारों तरफ से, चलिए देखते हैं अब इंटीरियर का काम कैसे करते हैं ये लोग, और कैसे अगर चमकाते हैं, क्या पॉलिश लगाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो गाइस देखो, ये भाई जो है अब इंटीरियर का काम शुरू कर दिया इसने। और ये अगर आप देख रहे हो तो ये जितने भी यहाँ पे मिट्टी है ये सब साफ़ कर देगा ये। तो देखो भाई से अगर हम पूछें, भाई कितने साल से काम कर रहे हो कार वॉशिंग का? भाई यही अपने को तो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, यानी कि फुल प्रोफेशनल के हिसाब से काम करते हो? बिल्कुल भाई। और कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हो? यहाँ तो बस अभी 10-15 दिन हुए। 10-15 दिन। क्या नाम है भाई? दिलशाद। दिलशाद, तो ये भाई है बहुत ही खुश दिल बंदा है। देखो अगर देखो तो स्माइल हमेशा इसके फेस पर ही रहती है, और आप देखो तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है ये। तो जब भी आना ये दिलशाद भाई का ज़रूर मिलना, और कार वॉश यही करता है अंदर से बाहर से सारा।
गाइस अगर मैं दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो कि ऑलमोस्ट बहुत सी गाड़ी जो है अभी वॉश हो रही है। जब ये एक बाइक ये वॉश होके आई है, उधर पाँच छः जो बाइक है वो भी वॉश हो रही है, एक टेम्पो जो है ये भी वॉश हो रहा है, और ये रही मेरी गाड़ी, और ये इन भैया की जो दुकान है। और भैया कितना टाइम से भैया आप वॉशिंग का काम कर रहे हो? भाई 1.5 साल हो गए यहाँ पे। हाँ, तो क्या चार्जेस है भैया आपके गाड़ी के, अगर मैं बताऊँ तो? छोटी गाड़ी के कितने? छोटी गाड़ी 250। छोटे गाड़ी का 250, और बड़ी गाड़ी के? ये 250 जमाल है, ब्रेजा क्रेटा 300 रुपये, एक्सयूवी 350। तो आप देख सकते हो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं भैया के, और भैया का नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, यहाँ का एड्रेस मेंशन कर दूंगा। बहुत रीज़नेबल रेट पे जो भैया गाड़ियाँ साफ़ करते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे एंडेवर आ रखी है, ये आपकी क्रेटा आ रखी है, पीछे अगर आप देखो तो एक्सयूवी और जो बलिनो है वो भी लगी हुई है, और लाइन से लाइन कंटिन्यू जो है गाड़ी बिजी रहती है यहाँ पे वॉशिंग के लिए। तो जितना हो सके आप लोग अगर आते हैं तो बहुत रीज़नेबल प्राइस लगने वाले हैं। और भैया आई थिंक साल के भी कुछ काफ़ी पैकेजेस हैं, साल के अकॉर्डिंगली भी अगर आप पैकेजेस लेना चाहो तो आप ले सकते हो। बाकी देखो मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, और इंटीरियर का काम बस ऑलमोस्ट अब वैक्यूम के लिए जाएगी, बाकी सारा काम जो है वो अब रेडी होने वाला है। चलिए देखते हैं फिर आगे इंटीरियर। तो भाई लोगों आप देख सकते हो ये जो गाड़ी की अगर आप देखो तो कंडीशन जो एकदम साफ़ हो गई है, एकदम क्लीन हो गई है। वो देखो डैशबोर्ड से लेके मेरा पूरा इंटीरियर जो है वो पूरा एकदम क्लीन हो गया है, और ये जो भाई है ये इंटीरियर का सारा काम करता है। अगर आप देखो तो ये इंटीरियर मेरा जितना भी है सारा क्लीन हो गया। तो भाई क्या नाम है आपका? ईशू हैं? ईशू। ईशू, ईशू भाई है जो इंटीरियर का सारा काम करते हैं। सो गाइस ये थी पूरी वीडियो जो जिसमें कार क्लीनिंग से लेके कार वॉशिंग तक मैंने पूरी दिखाई है आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मेंशन करना कि आपको गाड़ी जो है क्लीन होके कैसे लगी।